प्यारे बच्चों, मैं चंद्रेश्वरी पांडे, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विज्ञान की वर्चुअल क्लास में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। एक बार याद कर लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, पहले भाग में हमने जीवन के परिभाषित लक्षणों के बारे में जाना था, हमने अनुरक्षण को पढ़ा था, हमने जैव प्रक्रम के बारे में जाना, हमने यह भी जाना कि सजीव अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं, हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और उसके लिए आवश्यक घटकों के बारे में भी जाना था। तो बच्चों, इसी क्रम में आज के भाग में हम जंतुओं में पोषण विधि के बारे में जानेंगे। हम विषम पोषी पोषण के अंतर्गत मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पूर्ण भोजी या जंतु संपोषण के बारे में भी जानेंगे। जंतुओं में पोषण के अंतर्गत हम अमीबा तथा पैरामीशियम में पोषण को देखेंगे और मनुष्य में पोषण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वृद्धि के लिए हमें पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के लिए समान होती है, लेकिन बच्चों, इसको ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे पौधे, हरे पौधे, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना लेते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण हमने कहा था और हमने यह भी जाना था कि इसी कारण पौधों को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परंतु जंतुओं में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो भोजन के लिए या तो पौधों पर निर्भर हैं या अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, जिन्होंने पौधों ने जब अपना भोजन स्वयं बनाया था तो हमने उन्हें स्वपोषी कहा था, और ऐसे जंतु जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। आइए देखते हैं पोषण विधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बच्चों, सबसे पहला कारक है भोजन का स्वरूप। जैसे भोजन का एक स्रोत है घास। घास अचल स्रोत है, वो चल के कहीं जा नहीं सकती। और एक और स्रोत है भोजन का हिरण, ये चल स्रोत है जो इधर से उधर गति कर सकता है। तो इन दोनों के अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न होगा, अर्थात इनको ग्रहण करने का जो तरीका होगा जंतुओं में वो भिन्न भिन्न होगा। आइए देखते हैं और कौन से कारक हैं। बच्चों, जंतु में किस प्रकार का पोषक उपकरण है यह भी पोषण विधि को निर्धारित करने में बहुत बड़ा कारक होता है। जैसे गाय जो है वो घास खाती है और उसको पचा लेती है, परंतु हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हम उसे पचा नहीं सकते। आइए जानते हैं कि गाय में ऐसा क्या है कि वो घास को पचा लेती है। बच्चों, जब गाय घास को खाती है, कुछ भी भोजन खाती है, तो वो भोजन उसके मुख से होता हुआ रेक्टिकुलम और र्यूमेन भाग में इकट्ठा हो जाता है। बच्चों, इसके बाद ये एक साथ ढेर सारा खाना खा के इन भागों में इकट्ठा भर लेती है। उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर गाय भैंस आराम से जब इत्मीनान से बैठती हैं तो वो मुंह चलाया करती हैं। इसी भोजन को वो फिर से मुंह में लाकर उसे भली भांति चबाती हैं। यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है, ये आपने अवश्य ही देखा होगा। तो बच्चों, र्यूमेन भाग में बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने एंजाइम से सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। उसके पश्चात इसने गाय ने फिर से जुगाली के द्वारा उसको फिर से चबाया और उसके बाद यह भोजन अमोजम और फिर अबोमेजम में जाता है और पूर्णतया पच जाता है। अब प्रश्न आता है बच्चों कि हम घास क्यों नहीं खा सकते। तो बच्चों, एक कारण है कि हमारे पास हमारे शरीर में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो सेल्यूलोज को पचा सके, और दूसरा हमारे पास ऐसा कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं है जो इसमें हमारी
मदद कर सके। तो ये हुआ पोषक उपकरण का कार्य। अब देखिए एक और उदाहरण हम लेते हैं मेढक का। आपने मेढक के विकास की अवस्थाओं में पूर्व की कक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा, मेढक का लार्वा होता है टैडपोल लार्वा। बच्चों इसके भोजन में बहुत विभिन्नता होती है, आइए देखते हैं। टैडपोल लार्वा छोटा होता है और इसके मुंह में जीभ नहीं होती, तो ये कीड़ों को पकड़कर खा नहीं सकता। तो अब ये बेचारा क्या खाएगा? तो ये पानी में उपस्थित छोटे छोटे पौधों को खाता है। अब ये शाकाहारी है और इसकी जो आहार नाल होती है वो कुंडलित होती है और लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। ये हुई टैडपोल की बात। अब मेढक को देखिए, मेढक के पास आगे से जुड़ी हुई द्विपालित जीभ होती है जो बेहद चिपचिपी होती है और बहुत लंबी होती है। उसको देखिए किस तरह से ये फेंक कर कीड़े को पकड़ रहा है। तो ये कीटभक्षी है, कीड़ा खा लिया, मांसाहारी है, मांस खा लिया, और इसकी आहार नाल में कुंडलन विकास के दौरान कम हो जाता है, क्योंकि मांस को पचाने के लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती है, मांस का पाचन सरल होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज़रूरत के मुताबिक पोषक उपकरणों की सहायता से विभिन्न पोषण विधियों को जंतु अपनाते हैं। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं और जानते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते विषम पोषी कहलाते हैं। ये जंतु दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, या तो वो पौधे पर निर्भर होते हैं या जंतुओं पर निर्भर होते हैं या दोनों पर ही निर्भर होते हैं, और इस प्रकार का पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। बच्चों इसका उदाहरण सभी प्रकार के जंतु जो भी हमें आसपास के वातावरण में दिखते हैं, सभी इसके उदाहरण हैं। विषम पोषी पोषण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है बच्चों, मृतोपजीवी, परजीवी और पूर्णभोजी या जंतुसम पोषण। तो आइए पहले के बारे में जानते हैं। बच्चों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत या सड़े गले हुए पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम उन्हीं पदार्थों पर स्त्रावित कर देते हैं, वो भोजन वहीं पे पच जाता है और उसके बाद उस भोजन का ये अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार के जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं और ऐसा पोषण मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। बच्चों इसके उदाहरण हैं विभिन्न कवक जैसे फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों विभिन्न प्रकार के कवक। आपने अवश्य ही देखा होगा बारिश के दिनों में चमड़े के जो आर्टिकल्स हमारे घर में होते हैं या ब्रेड या रोटी जो कई दिनों से रखी हुई हो उस पर हमें बाल नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि इसको मत खाना, इस पर फफूंदी लग गई है, या इसको मत ले जाना, इस पर फफूंदी लग गई। तो वो फफूंदी भी कवक ही है जो मृतोपजीवी होता है। तो आइए बच्चों अगले के बारे में जानते हैं। अगला है कुछ ऐसे जीव भी होते हैं बच्चों जो पौधों और जंतु को मारे बिना उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अमरबेल एक पौधा होता है जो दूसरे पेड़ों पर उगता है और उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। जू इससे आप सभी परिचित हैं, ये आपके सिर की त्वचा से रक्त चूसती है। लीच आपने खेतों में या कभी कभी बारिश के दौरान सड़कों पे भी हमें लीच या जोंक भी इसका नाम है हमें मिल जाता है, जो हमारी त्वचा पर चिपक के उसे खून अवशोषित करता है। तो इन दोनों ने क्या काम किया बच्चों? हमारे शरीर से पोषण लिया परंतु बाह्य रूप से। तो ऐसे जीव बाह्य परजीवी कहलाते हैं। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं फीता कृमि का। ये बच्चों हमारे शरीर के अंदर रहता है हमारी आंतों में। ये पहला चित्र जो आपको दिख रहा है ये देखिए, ये हमारी आंत का चित्र है और उसमें ये आपका फीता कृमि है और ये उसका मुख है। बच्चों आप मुख को जरा ध्यान से देखिए, मुख जैसे कोई चीज नहीं है। ये चूषक है जो भोज्य पदार्थों को चूसने का या सक करने का काम करते हैं, और कुछ हुक जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं।
ये इसलिए होता है ताकि ये आंतों में खुद को फंसा सकें और आहार नाल से बाहर ना निकल जाएं। तो बच्चों, आंत में हमारा भोजन पच चुका होता है, ये पचा पचाया भोजन हमारी आंतों से ले लेता है। इसको ना आमाशय की ज़रूरत है, ना किसी आहार नाल की ज़रूरत है। ये शरीर के अंदर रहता है हमारे, इसलिए इसको अंतःपरजीवी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब तीसरे प्रकार के पोषण के बारे में जानते हैं, जो है पूर्ण भोजी या जंतुसम पोषण। बच्चों, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ऐसे जीव पूर्ण भोजी या जंतुसम पोषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए बच्चों, गाय है, शेर है, मनुष्य है आदि। बच्चों, ऐसे जीव या तो पौधों को खाते हैं तो वो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, या फिर मांस पे निर्भर करते हैं और मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, या फिर ये पौधों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं और उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, जैसे मनुष्य। तो बच्चों आइए देखते हैं कि जंतुओं में पूर्ण भोजी पोषण किस प्रकार होता है। बच्चों, पूर्ण भोजी पोषण का एक खास बात यह है इसकी कि इसके पांच चरण होते हैं, वो चाहे किसी भी जंतु में हो, छोटे से छोटे जंतु में हो या बड़े से बड़े जंतु में। और ये पांच चरण होते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का पाचन, पाचित भोजन का अवशोषण, फिर उसका स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो बच्चों, इसी क्रम में हम अमीबा और पैरामीशियम में पोषण को देखते हैं। बच्चों, अमीबा और पैरामीशियम जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव हैं, मतलब इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होता है। आपको याद होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा भी है अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। आपको याद होगा बच्चों कि अमीबा की कोई विशिष्ट आकृति नहीं होती, इसका आकार पल पल बदलता रहता है। तो जब कोई खाद्य कण इसके नज़दीक में आता है बच्चों, तो ये उसके चारों तरफ से प्रवर्ध या कूटपाद या स्यूडोपोडिया बनाकर उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है। ये देखिए, यहाँ तो घेर रहा है और घेर कर ये दोनों दीवारें इसकी संलयित हो जाती हैं और अंदर एक खाद्य रिक्तिका बन गई। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन सरल रूप में हो जाता है। फिर पाचन के बाद ये कोशिका द्रव्य में विसरण के द्वारा भोज्य पदार्थ चले जाते हैं। अब यहाँ खाद्य रिक्तिका में क्या बचा? वर्ज्य पदार्थ बचा। फिर इस वर्ज्य पदार्थ को धीरे धीरे करके किनारे लाया जाता है, जहाँ से यह निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये हुआ अमीबा में पोषण। आइए पैरामीशियम में पोषण को देखते हैं। बच्चों, पैरामीशियम की एक निश्चित आकृति होती है और भोजन ग्रहण करने के लिए भी इसके पास एक विशिष्ट अंग होता है। यहाँ से यह भोजन को ग्रहण करता है, इसे कोशिका मुख कहते हैं। तो बच्चों, अब ये जब पानी में है तो ज़रूरी नहीं कि भोजन यहाँ पे आए, तो भोजन को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य इसके सतह पर उपस्थित ढेर सारे बालनुमा संरचनाएं, ये जो पतली पतली आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं, ये गति के द्वारा भोजन को यहाँ पे भेजते हैं। पाचन के द्वारा फिर भोजन पचकर वर्ज पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार अमीबा और पैरामीशियम में पोषण होता है। आइए बच्चों जानते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। बच्चों, मनुष्य में पोषण के लिए एक पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य के पोषण का पहला चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण। बस कुछ भी नहीं है इस चरण में, भोजन को लिया और खा लिया, यही हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन को हम मुख से ग्रहण करते हैं और दांतों से इसे चबाकर आहार नाल की तरफ जीभ से धकेल देते हैं। तो बच्चों, मुख्यतः मुख में दांतों के द्वारा भोजन का यांत्रिक पाचन होता है, यानी उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा चरण है बच्चों, भोजन का पाचन।
बच्चों, भोजन के पाचन के लिए हमारे पास एक विस्तृत आहार नाल है जिसके मुख्य अंग हैं मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, वृहदांत्र यानी बड़ी आंत और अंतिम में गुदा। इसके सहायक ग्रंथियां भी होती हैं जो हैं लार ग्रंथियां, यकृत जो पित्तरस का निर्माण करता है और उसे पित्ताशय में एकत्रित करता है, और अग्नाशय। बच्चों, मुख में मुख्यतः यांत्रिक पाचन होता है, ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता और आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में रासायनिक पाचन होता है। बच्चों, एक बात यहाँ पे जाननी चाहिए कि क्षुद्रांत्र को छोटी आंत और वृहदांत्र बड़ी आंत क्यों कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, तो फिर उल्टा नाम इसका क्यों है। देखिए बच्चों, जो छोटी आंत होती है वो व्यास में पतली होती है और लंबी होती है, और जो बड़ी आंत होती है यानी वृहदांत्र वो व्यास में मोटी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पतली जो दिखाई दे रही है ये क्षुद्रांत्र है, और ये जो मोटी नली जैसी दिखाई दे रही है यह वृहदांत्र है। तो छोटी और बड़ी इसको इस वजह से कहा जाता है। बच्चों, आइए देखते हैं, ये हो गई हमारी मुख गुहा, फिर ये ग्रसिका जिसके द्वारा भोजन आमाशय में आता है, ये आपका आमाशय है। बच्चों, आमाशय के ऊपर डायफ्राम के नीचे ये डायफ्राम है जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। डायफ्राम के नीचे एक बड़ी सी ग्रंथि दिखाई दे रही है बच्चों, इस ग्रंथि का नाम है यकृत। यह पित्तरस का स्त्राव करती है, और यकृत के ऊपर एक गुब्बारे नुमा ग्रंथि आपको दिख रही है जिसको कहते हैं पित्ताशय। ये पित्तरस को एकत्र करने का कार्य करती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जहाँ से आमाशय क्षुद्रांत्र से जुड़ रहा है वहाँ पे ये पित्ताशय एक नली से आके जुड़ता है, और ये पत्ती नुमा जो एक और ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय, यह भी यहीं पर आके एक नली के द्वारा जुड़ती है और पाचन में अपना सहयोग देती है। तो ये हुआ बच्चों। अब आमाशय से आगे की ओर चलते हैं, तो ये क्षुद्रांत्र है जो काफ़ी लंबी नली होती है और कुंडलित होकर हमारी उदर गुहा में उपस्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है, और ये कुंडलित रूप में हमारी उदर गुहा में उपस्थित होती है। इसके बाद बच्चों, ये कंटिन्यू करती है एज वृहदांत्र या बड़ी आंत, और उसके बाद में सबसे अंतिम में है गुदा। तो ये तो हुई रचना के बारे में। आइए बच्चों, जानते हैं कि इनके द्वारा पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बच्चों, मुख गुहा में पाचन। बच्चों, जो भी भोजन हम खाते हैं, दाल रोटी चावल जो भी आप खाते हैं, वो एक जटिल रूप में होता है। आंतों के द्वारा अवशोषित होने के लिए इसे छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ना आवश्यक है। यह कार्य करने के लिए हमारे शरीर में जैव उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। तो ये उत्प्रेरक हमारी पाचन क्रिया में सहयोग देते हैं, और इनकी एक खासियत होती है कि यह विशिष्ट होते हैं। जैसे कोई एक ताला होता है, उसकी एक चाबी होती है, और किसी भी ताले किसी और चाबी से वो ताला नहीं खुलता, ठीक उसी प्रकार एंजाइम भी विशिष्ट होते हैं और किसी एक ही सब्सट्रेट पे वो कार्य करते हैं। जैसे अगर हमारे पास लाइपेज एंजाइम हो तो वो सिर्फ वसा को तोड़ेगा, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को कभी नहीं तोड़ सकता। तो इस प्रकार हमने जाना कि एंजाइम विशिष्ट होते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्त्राव करती हैं। ये तो आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा, सामान्य जीवन में इससे रिलेटेड एक क्रिया होती है। अपने पसंदीदा भोजन की महक से हमारे मुंह में लार बनने लगती है, इवन कभी कभी सिर्फ उसके बारे में सोचने से भी हमारे मुख में लार का उत्पादन होने लगता है। तो हमारे मुख में बच्चों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो लार का उत्पादन करती हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि कभी कभी जो हम भोजन खा रहे हैं वो सूखा होता है, और जो हमारी अंदर आहार नाल है उसका अस्तर बहुत कोमल होता है, इसलिए लार के साथ मिश्रित होकर हमारा भोजन कोमल हो जाता है, जिसके मूवमेंट में आसानी होती है।
अब आइए बच्चों आगे देखते हैं कि लार में ऐसा कौन सा एंजाइम है और वो क्या कार्य करता है। बच्चों लार में एक एंजाइम होता है एमिलेज, जो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे माल्टोज अणुओं में तोड़ देता है। हो सकता है आपने ऐसा अनुभव किया हो कि कभी आप सिर्फ चावल, उसके साथ और कुछ भी ना मिलाइए, या चूड़े को थोड़ी देर तक चबाइए, तो पहले तो वो मीठा नहीं लगता क्योंकि वो स्टार्च है जो मीठा नहीं होता, लेकिन जब इसको थोड़ी देर चबाते हैं और उस पर ये एमिलेज एंजाइम कार्य कर देता है, तो वो छोटे छोटे माल्टोज अणुओं में या सरल शर्कराओं में टूट जाता है जो मीठी होती हैं। इस कारण हमें मिठास का अनुभव होता है। तो बच्चों आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं कि लार एमिलेज किस प्रकार से मंड पर क्रिया करता है। आइए देखें बच्चों, इसके लिए हमने दो परख नलियां ली हैं, दोनों को ए और बी से इंगित किया है। दोनों परख नलियों में हमने 1 ml मंड का विलयन डाल दिया। उसके बाद क्या किया बच्चों, पहली परख नली ए में हमने 1 ml लार भी डाल दी, जबकि दूसरी में हमने लार नहीं डाला, और इस सेटअप को ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि पहली परख नली जिसमें हमने लार डाली थी वो रंगहीन ही है, किंतु जो दूसरी वाली थी उसका रंग नीला काला हो गया है। बच्चों आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक में भी यह इस तरह का प्रयोग किया था। उस क्रियाकलाप में हमने देखा था कि जहाँ मंड का निर्माण होता है वहाँ पे नीला काला रंग दिखाई देता है, और जहाँ मंड का निर्माण नहीं होता वह भाग रंगहीन रह जाता है। तो इस रंगहीन भाग से हमें क्या पता चला बच्चों, कि ये जो मंड यहाँ पर उपस्थित था उसको हमारी लार ने तोड़ दिया है, और यहाँ पे क्योंकि लार अनुपस्थित थी इसलिए मंड अपना नीला काला रंग आयोडीन विलयन के साथ दिखाता है। तो बच्चों ये हुई मंड पर लार की क्रिया। आइए आगे चलते हैं। अगला है बच्चों आमाशय में पाचन। बच्चों भोजन को हमने मुख गुहा में चबाया और वो ग्रसिका के द्वारा हमारे आमाशय में आ गया। बच्चों आमाशय एक वृहद अंग है, और जो इसको आप बैग की तरह समझ सकते हैं जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अब ये बात आती है बच्चों कि इस खाने को यहाँ से यहाँ तक आना है, ये स्वतः कैसे आए, तो आप इस चित्र से समझिए, एक पाइप जैसी संरचना और बीच में बॉल है, इस बॉल को समझिए आपका भोजन, और ये गति कहलाती है क्रमाकुंचन। इसको समझिएगा, क्रमा मतलब क्रम से और कुंचन मतलब संकुचन। तो देखिए पहले ये भाग संकुचित हुआ होगा तो खाना थोड़ा आगे बढ़ा, फिर ये भाग संकुचित हुआ खाना और आगे बढ़ा, फिर ये भाग संकुचित हुआ खाना और आगे बढ़ा। इस प्रकार क्रमाकुंचन गति के द्वारा हमारा भोजन आहार नाल में गति करता है बच्चों। अब आमाशय एक और कार्य करता है, यह भोजन को पाचक रसों में मिश्रित करता है। हमारे आमाशय में बच्चों इसकी दीवार में, अंदर की दीवार में कुछ जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव करती हैं? जठर रस का। और उस जठर रस में 3 प्रमुख भाग होते हैं, इसके 3 अवयव होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा होता है श्लेष्मा। बच्चों ये जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाता है, और इसको कार्य करने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, और ये प्रोटीन पर क्रिया करके, यहाँ पे देखिए प्रोटीन पर क्रिया करके इसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक और कार्य करता है, कभी कभी भोजन के साथ कुछ कीटाणु हमारे आमाशय में पहुंच जाते हैं तो उसको भी यह नष्ट कर देता है। यहाँ एक बात जानना रोचक होगा बच्चों
कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो मांस खाते हैं, मांस में मुख्यतः प्रोटीन ही होता है और वह प्रोटीन यहाँ पर पाचित हो जाता है। और ये आपकी जो आमाशय है यह भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, आमाशय भी प्रोटीन है, तो फिर ये क्यों नहीं पच जाता आपके सीएल से या आपके प्रोटीन पाचक एंजाइम से? तो बच्चों, इसकी सुरक्षा के लिए ये जो श्लेष्मा है ये एक मोटी परत के रूप में इसके आंतरिक स्तर पर उपस्थित रहती है, जिससे हमारे आमाशय की इस अम्ल से सुरक्षा होती है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों, आपने कभी अपने घर में अपने बड़ों से ये सुना होगा कि आज मुझे अम्लता हो गई है या एसिडिटी हो गई है या मुझे सीने में जलन हो रही है? तो बच्चों, उसका कारण भी यहाँ पे उपस्थित है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके आमाशय में बना ये किसी त्रुटिवश ग्रसिका में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो हमें अपने सीने में जलन महसूस होती है। अब बच्चों, ये अम्ल है, आपने विज्ञान के अम्ल, क्षार और लवण नामक पाठ में यह अवश्य ही पढ़ा होगा बच्चों कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इसके उपचार के रूप में हमारे घर में बेकिंग सोडा उपलब्ध रहता है, इसका त्वरित उपचार है, थोड़ा सा पानी में घोल के अगर रोगी को पिला दिया जाए तो उसे तुरंत ही आराम मिल जाता है, क्योंकि यह अम्ल है और यह विलयन क्षारीय होता है, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और हमें राहत देते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में पाचन। अग्नाशय से भोजन क्षुद्रांत में आता है और यह एक अवरोधिनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत एक लंबी नली होती है जो कुंडलित होकर हमारी उदर गुहा में उपस्थित होती है और क्षुद्रांत की लंबाई जंतुओं के भोजन के ऊपर भी निर्भर करती है। जैसे बच्चों, जो शाकाहारी जंतु होते हैं जिन्हें सेलुलोज पचाना होता है, उन्हें इस कार्य के लिए लंबी आहार नाल और लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जैसे गाय। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं और मांस का पाचन सरल होने के कारण उन्हें छोटी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जैसे बाघ। चलिए आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्षुद्रांत में और कौन सी क्रियाएं होती हैं। बच्चों, यहाँ पे यह जान लीजिए कि क्षुद्रांत में ही आपका समस्त भोजन पच जाता है। इसके लिए क्या है, एक तो आपका जो यकृत था उसने जो पित्तरस बनाया था वो आपके पित्ताशय में एकत्र था, वह आएगा कहाँ पे, क्षुद्रांत में। ये देखिए, यहाँ से आमाशय जुड़ा था बच्चों और ये जो सी आकार का मोड़ है यहीं पे दोनों नलियां आके जोड़ती हैं। कौन सी, एक पित्ताशय की पित्त नली और दूसरी अग्नाशय से रस को लाने वाली दूसरी नली, ये दोनों आके यहीं पे जोड़ती हैं। ये जो पत्ती के जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसका नाम है अग्नाशय। अब बच्चों, इसके अतिरिक्त एक और कार्य है, पित्त रस दो कार्य करता है बच्चों। एक तो ये करता है कि जो अग्नाशयी रस है इसको काम करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। आपको अभी याद होगा, अभी मैंने बताया आमाशय में भोजन अम्लीय था, लेकिन अब यहाँ इसको क्षारीय माध्यम चाहिए, तो सबसे पहला काम ये पित्त रस करता है, माध्यम को अम्लीय से क्षारीय में बदल देता है। और दूसरा कार्य, जो भी हमने तेल घी वसा खाई है वो हमारे क्षुद्रांत में बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में रहती है, इन गोलियों पर पित्तरस कार्य करता है, इसे छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यह क्रिया इमल्सीकरण कहलाती है। चलिए देखते हैं बच्चों इसके आगे और कौन सी पाचन की क्रिया होती है। अब बच्चों, भोजन आपका अम्लीय से क्षारीय हो गया, अब आपके अग्नाशय के जो एंजाइम है वो कार्य करेंगे। पहला एंजाइम बच्चों ट्रिप्सिन होता है, जो प्रोटीन की बड़े अणु को छोटे छोटे अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और दूसरा कार्य है लाइपेज एंजाइम का, जो वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में तोड़ देता है। ये दोनों एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों देखिए, हमारी जो क्षुद्रांत है वह भी आंत्र रस का स्त्राव करती है और इस प्रकार हमारा समस्त भोजन, समस्त कार्बोहाइड्रेट, समस्त प्रोटीन, समस्त वसा
अपने छोटे अवयवों में टूट जाता है जो है ग्लूकोज। सारा मंड परिवर्तित हो गया ग्लूकोज में, सारा प्रोटीन अमीनो अम्ल में और सारी वसा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि मुख्यतः तीन तरह के एंजाइम ने हमारे भोजन को पचाने में मदद की। एक एमिलेज, जैसे लार में जो पाया गया था एमिलेज, उसने स्टार्च को पचाया। दूसरा प्रोटीएज, जैसे ट्रिप्सिन, जिसने प्रोटीन को पचाया। और तीसरा लाइपेज, जैसे अग्नाशय का लाइपेज, जिसने वसा को पचाया। अब बच्चों पाचन तो हो गया पूरा, अब है पाचित भोजन का अवशोषण यानी तीसरा चरण। बच्चों क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें रसांकुर या विली या दीर्घरोम भी कहते हैं। बच्चों ये क्या करते हैं, अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे अगर ये आपकी आंत हो और अवशोषण होना हो तो सिर्फ इतनी सतह से होगा, लेकिन अगर इसी में उंगली जैसी पतली पतली संरचनाएं निकल जाएं ऐसी, तो ये सतह बढ़ जाती है। तो ये रसांकुर क्या करते हैं बच्चों, अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहां समझिएगा बच्चों, हमारे भोजन में पाचन के उपरांत क्या क्या आया, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। अब समझिएगा यहां आप देख रहे हैं एक कोशिका का स्तर है जिससे विसरण आसानी से हो जाएगा। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज सीधे सीधे आपकी रक्त केशिका के रक्त में चले जाते हैं, लेकिन वसीय अम्ल और लवण का अवशोषण, ये जो बीच में आपको लसीका वाहिनी दिख रही है, इसमें होता है। किसका किसका, वसीय अम्ल और लवण का। अंततः ये रक्त में जाकर मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर अमीनो अम्ल और ग्लूकोज सीधे केशिका में आते हैं और वसीय अम्ल और लवण इस लसीका वाहिनी में अवशोषित होते हैं। अब बच्चों भोजन हमारा अवशोषित हो गया, अब इसे वहां पहुंचाना है जहां इसकी जरूरत है। अब इसकी जरूरत है कहाँ पे, हमारी हर कोशिका को है। पाचित भोजन को अवशोषित करके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचा देना, और कोशिकाएं इसका क्या करेंगी, भोजन का इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगी। सबसे पहले नए ऊतकों का निर्माण करके वृद्धि करेंगी या पुराने टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करती हैं, और यह प्रक्रिया बच्चों सम्मिलित रूप से स्वांगीकरण कहलाती है। अब इसके बाद हमारा अंतिम स्टेप आता है बच्चों, जो है पदार्थों का बहिक्षेपण। बिना पचा हुआ भोजन बच्चों वृहदांत्र में आ जाता है और इस पदार्थ में से सारे जल को अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ है वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है, और यह गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारे शरीर में पाचन पूर्ण होता है। अब बच्चों ये है आपका गृह कार्य, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको हल करने की कोशिश करें। इसी क्रम में बच्चों इस वीडियो के अगले भाग में हम श्वसन के अंतर्गत पौधों में श्वसन और जंतुओं के श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।